हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं रीट 2024 की आंसर की के बारे में, यानी रीट 2021 का, जो कि आज एग्ज़ाम था, अभी थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम छूटा है और हम बात कर रहे हैं रीट 2024 की आंसर की के बारे में। उसके अंदर हम स्पेशली बात कर रहे हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस, पेपर जो आया था साइंस के जो क्वेश्चंस थे उनकी आंसर की के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ध्यान रहे, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझे कि हम अभी बात कर रहे हैं सीरीज नंबर के की आंसर की सीरीज नंबर के की आंसर की, और उसके अंदर भी हम मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी गणित एवं विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी आंसर की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो भी सीरीज रहा हो, जो भी बुकलेट क्वेश्चन पेपर सीरीज रहा हो, आप मैच कर लीजिएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ सीरीज नंबर के की, ठीक है, और उसमें भी मैथमेटिक्स एंड साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी आंसर की मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट और 100% सही आंसर होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 91, और यहां पर आपसे क्वेश्चन किया गया था कि द डिजीज कोज बाय वायरस, यानी वायरस के कारण से होने वाला रोग कौन सा है, वायरस जनित रोग आपसे पूछा गया था, वायरस जनित रोग आपसे पूछा गया था। तो यहां पर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हैं टाइफोइड साल्मोनेला टाइफी जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मलेरिया जो कि एक प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, और डायरियल जो भी एक वायरस जनित नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेबीज। रेबीज किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भी क्वेश्चन पेपर सीरीज आपकी है, जो भी सीरीज आपकी है वो आप मैच कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सीरीज नंबर के की, ठीक है, सीरीज नंबर के की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन 92 नंबर, क्वेश्चन नंबर 92, और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा था ईस्ट और खमीर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ईस्ट और खमीर एक उदाहरण है किसका है, जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का। यहां पर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, कवक यानी फंजाई। फंजाई क्या है, ईस्ट, सॉरी, फंजाई का ईस्ट एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपने देखा होगा ईस्ट जो कवक है उसमें डबल रोटी, जो रोटी होती है, ब्रेड होते हैं, ये सारे ईस्ट के एग्जाम्पल है। याद रहे, ईस्ट और सेवाल में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, यहां पर आपसे क्वेश्चन किया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड हैबिटन प्लांट, निम्न में से कौन सा एक शीत आवास का पादप है, यहां पर क्वेश्चन आपसे किया गया था। यहां पर काफी सारे कैंडिडेट अलग अलग आंसर यहां पर बता रहे थे, लेकिन अभी जो मैं इसका आंसर बता रहा हूं बिल्कुल सही है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है हाइड्रिला। नागफनी की अपन बात करें, ओपेंशिया की अपन बात करें, तो ये है जो कि रेतीले यानी रेगिस्तानी स्थानों में ये पाई जाती हैं, ठीक है, हाइड्रिला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग, जो मैचअप करना है आपको, जो ऑप्शन आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट वन मैं मैच करता हूं, आप देख लीजिएगा आपने क्या आंसर किया। बात कर रहा हूं मैं सीरीज नंबर के की, क्वेश्चन पेपर सीरीज नंबर के की, रीट एग्जाम 2021 की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। विज्ञान और गणित, मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 मैचअप करता हूं मैं, सबसे फर्स्ट वन अपन बात करें, देखिए टाइफॉइड, ठीक है, जो जो आता है उसको मैच कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली दूसरे निकल के आ जाएंगे। देखिए ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रहे ट्यूबरकुलोसिस इज रिलेटेड टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी
फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी। अब आप देखेंगे यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसको छोड़िए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफॉइड इज साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, देखिए जिसमें फर्स्ट में क्या हो, डी हो, सेकंड में ए हो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए काफी बार तो ऐसे दो मैचअप होते हैं ऑटोमेटिकली पता चल जाता है क्योंकि दूसरे मैचअप नहीं हो पाते और कहीं नहीं मिल पाता है, तो तीसरा ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्या है। तीसरा ऑप्शन देखिए आप, हुपिंग कफ। हुपिंग कफ और हुपिंग कफ इज रिलेटेड टू वेरिसेला जोस्टर, रिलेटेड टू वेरिसेला जोस्टर, दैट इज सॉरी जस्ट अ मिनट, वेरिसेला जोस्टर नहीं, चिकन पॉक्स है वेरिसेला जोस्टर। आप यहां पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, चिकन पॉक्स है वेरिसेला जोस्टर और हुपिंग कफ है बॉडी सेला पर्टुसिस। पर्टुसिस इज रिलेटेड टू हुपिंग कफ, याद रहे पर्टुसिस इज रिलेटेड टू हुपिंग कफ, ध्यान रहे। ठीक है, अपन ने मैचअप किया है, देखिए यहां पर मैचअप किया है, ट्यूबरकुलोसिस इज रिलेटेड टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड इज रिलेटेड टू साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, और हुपिंग कफ यानी कुकर कासी इज रिलेटेड टू बॉडी टेला पर्टुसिस, बॉडी टेला पर्टुसिस। पर्टुसिस इज ऑल्सो नोन एज हुपिंग कफ, याद रखिए पर्टुसिस को हुपिंग कफ कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये है। और छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है वो है वेरिसेला जोस्टर। तो यहां पर देख लीजिएगा, फर्स्ट से बना है, फर्स्ट जो करेक्ट है उसके अंदर तो डी अपन ने भरा है, सेकंड करेक्ट है उसके अंदर अपन ने ए भरा है। ठीक है, सेकंड करेक्ट है तो ए भरा है, और थर्ड है, थर्ड के अंदर अपन ने क्या भरा है, सी भरा है, थर्ड के अंदर अपन ने क्या भरा है, सी, जो कि यहां पर नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं और ये भी होगा ही नहीं। यहां पर देखिए सी ऑप्शन, देखिए आप सी ऑप्शन, सी फर्स्ट में भरा है अपन ने डी, सेकंड में भरा है अपन ने ए, और थर्ड में भरा है अपन ने सी, और फिफ्थ फोर्थ में भरा है अपन ने, फोर्थ में भरा है अपन ने बी। तो यहां पर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या क्या भरा है आपने, क्षय रोग के लिए भरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड के लिए भरा है साल्मोनेला टाइफी, और कुकर कासी के लिए भरा है आपने बॉर्डीटेला पर्टुसिस, और छोटी माता के लिए भरा है आपने वेरिसेला जोस्टर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबको पता है, आई थिंक सबका राइट है यकृत, बिल्कुल राइट आंसर है लीवर। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लीवर, सबका करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, इन एसआई यूनिट सिस्टम पास्कल इज द यूनिट ऑफ, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल, पास्कल किसका मात्रक है? तो आप सबको पता है पास्कल दाब का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, याद दिला दूं आपको, रीट 2021 के अंदर अपन लेवल सेकंड में बात कर रहे हैं सीरीज नंबर के की, मैथमेटिक्स एंड साइंस की क्वेश्चन की आंसर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? करेक्ट आंसर आपको बताना था, करेक्ट आंसर इज बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विकिरण के द्वारा ये पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा ये पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा ये पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष रखा जाता है, अवतल दर्पण कैसा होता है आप सबको पता है, अवतल दर्पण ये वाला होता है, ये वाला अवतल दर्पण है, यहां पर इस तरीके से एक मुख्य अक्ष होता है
आप सबको पता है मुख्य अक्ष होता है ये एम और एन होता है, यहाँ पर फोकल पॉइंट होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी होता है या 2F अपन कह सकते हैं। कहा गया है कि आपकी वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र सी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो यहाँ से आप इमेज डालिए, यहाँ से आप इमेज डाल रहे हैं वक्रता केंद्र सी से। देखिए यहाँ से डायरेक्टली लाइट रेज जाएगी और फोकल पॉइंट एफ से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा जब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां से लाइट रेज जाएगी और यहां से दर्पण से टकराएगी और कहां होकर गुजरेगी? यहां सी पर होकर गुजरेगी। कहां पर? सी पर होकर गुजरेगी। तो आप सबको पता चल गया है कि प्रतिबिंब कहां पर बना, कैसा बना, प्रतिबिंब कहां पर बना और कैसा बना। आप देख सकते हैं यहां पर प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र सी पर थी वस्तु, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना? सी पर बना, वस्तु के बराबर बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए वास्तविक तो बनाए, सब में है वास्तविक, देखिए उल्टा बनाए, ठीक है उल्टा है, वस्तु के साइज के बराबर बना है। देखिए यही ऑप्शन एक और है, वस्तु के साइज के बराबर आभासी, तो आभासी तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाता है, आभासी है नहीं, ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है। वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, वास्तविक उल्टा और साइज में बराबर बना है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गणित की निम्न में से कौन सी विशेषता उसके एक वैसर्गिक विषय, उसे एक वैसर्गिक विषय बनाती है या वैश्विक विषय बनाती है, एक ग्लोबल सब्जेक्ट बनाती है? तो यहां पर ऑप्शन है भाषा की जटिलता यानी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की संक्षिप्तता, भाषा की एक रूपता यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज। देखिए सब ऑप्शन यहां पर आपको कैसे लग रहे हैं? सब बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 126, क्वेश्चन है 126, यहां पर आपसे ऑप्शन है, देखिए मादा मानव में यहां पर मेल और फीमेल जैसे आपने पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन और प्रजनन, यहाँ पर निषेचन स्तर पूछा है यानी फर्टिलाइजेशन पूछा है, आपने पढ़ा होगा ओवरी, ठीक है पढ़ा होगा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मादा मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका में होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? आंसर आपको यहां पर बताना था और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है, मुकुलन, ठीक है बोर्डिंग के द्वारा ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किसको भारत में बर्डमैन कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ द इंडिया, बर्डमैन ऑफ द इंडिया जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन उठा हुआ है, डायरेक्टली क्लास 10th के अंदर ये क्वेश्चन है, पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, बिल्कुल सलीम अली को, सलीम अली जी को बर्डमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने देखे ये कुछ साइंस के क्वेश्चन अपन ने लिए हैं और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं, और जो बीच में एक दो क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं उन क्वेश्चन को भी मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, यहां तक कि जो क्वेश्चन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, और जो जिसका जितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहां तक जितने क्वेश्चन बताए वो जरूर कमेंट करें, बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, कुछ ही देर में आपको रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।